जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय मंडल, जय जोहार। आज का एक अचानक से एक महत्वपूर्ण लाइव, और लाइव इसलिए कि आप लोगों तक एक संदेश जो है वो पहुंचाना, बहुजन आंदोलन जो वर्तमान में हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से चला रहे हैं, मेरे मन में एक अचानक से एक जिज्ञासा, एक सवाल उत्पन्न हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों से अपनी बात रखनी चाहिए। उस बात को शुरू करने से पहले, समय समय पे भारत में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे उन सभी को नमन करते हुए, जिन्होंने तमाम तरह के अपमान, आरोप और नुकसान सह के, जुर्म जाति सह के, शोषित वर्गों के लिए, के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रख के अपने तमाम तरह की सुविधाओं को छोड़कर जो है बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए पूरे देश में जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के खिलाफ बिना रुके, बिना थके संघर्ष कर रहे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को जय भीम कहते हुए मैं आज के जो लाइव, एक विशेष लाइव, क्योंकि दो दिन बाद एक जो तीसरा दिन आएगा, एक ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर, और 26 नवंबर मात्र एक दिन नहीं है, वो एक ऐतिहासिक दिन, एक मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन के साथ भारत में रहने वाले करोड़ों शोषितों, पिछाड़े गए लोगों का, महिलाओं का, कमजोरों का, जिनको सदियों से सताया गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, उनका, उनके भविष्य का, जानवरों से जैसे जिंदगी से निकाल के इंसानों की जिंदगी में लाने का एक जो है माध्यम जो बना, जिसमें जिसने भारत में रहने वाले शोषितों को समान अवसर दिए, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी दी, भारत में कहीं भी घूमने की, सरकारी साधनों का उपयोग करने की, तालाबों के साथ साथ स्वच्छ पानी पीने की, बोलने की, अच्छे मंचों पर बैठने की, यहां तक एक किसान मजदूर का मेरे के बेटे को मेहनत करके, संघर्ष करके एक आईएएस, आईपीएस, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक कलेक्टर, एक राजनेता बनने का जो अवसर मिला, वो मिला भारतीय संविधान के जरिए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा हुआ। भारत में रहने वाले करोड़ों शोषितों के लिए तो यही त्यौहार का अवसर, जिस दिन उनको खुशी मनानी चाहिए और अपने इस, मैं जैसे कहता हूं कि भाई मेरा जो धर्म है वो संविधान है, ये जो भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है और जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव किया, उस पवित्र संविधान के संकल्प की, उसकी सुरक्षा की और उसको लागू कराने के संकल्प की आज भारत में जरूरत है। जिस तरह से सरकारें संविधान का हनन कर रही हैं, संविधान को, कुछ विचारधारा जो भारत में ऐसी है जो संविधान को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही हैं,
उन विचारधाराओं को और उनकी तानाशाही सरकारों से भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने का संकल्प जो है उसी दिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ हमें लेना चाहिए। और क्योंकि हमें वास्तविक आज़ादी 1947 के बाद भारतीय संविधान के बनने और उसको जब भारत में वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये हमारे लिए बड़े ऐतिहासिक दिन है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये समान अवसर मिले हैं, ये सब है पढ़ाई के हों या आगे बढ़ने के, ये भारतीय संविधान की देन है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए सब कुछ जो है वो भारत का संविधान है और वो सर्वोपरि, तो उसकी रक्षा सुरक्षा उसको लागू कराने का संकल्प हमारे नौजवान साथियों को लेना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि 26 नवंबर को, जो 26 जनवरी से पहले आने वाला पर्व है हमारा, उसको संविधान दिवस जो है उसको उस दिन इस बार संकल्प लेंगे हम लोग। मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन है मेरा कि वो हालात को देखते हुए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का, उसकी सुरक्षा करने का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। संविधान की सुरक्षा करना, उस संविधान को सुरक्षित रखने का आरएसएस और भाजपा के लोगों से, और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का संकल्प जो है 26 तारीख को हम लोग लेंगे खतौली विधानसभा उपचुनाव में। एक विधानसभा उपचुनाव की रैली है, उसी रैली में हम लोग ये संकल्प लेंगे और पूरे देश में काम करने वाले बहुजन समाज के जो योद्धा हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो काम कर, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपने घर पे भारतीय संविधान का महत्व बताएं, अपनी माँ को, जो हमारी माए वहाँ रहती हैं, हमारी बहनों को, हमारी बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को, जिनको शायद आज एहसास भी नहीं कि भारतीय संविधान से पहले उनका जीवन कैसा था और कैसे एक एक अधिकारों के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया, तब जाके एक एक अधिकार हमें मिले। तो इसलिए मैं चाहूंगा जन जागरण के रूप में और पूरे देश में हम लोग 26 नवंबर को पर्व मनाएं, खुशियां मनाएं और संकल्प लें, शपथ लें इसको रक्षा सुरक्षा करने की, उसको लागू कराने की। और पूरे देश में जो महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं, जैसे दमोह में एक आंदोलन चल रहा है, वहां की निकम्मी सरकार की वजह से जो मांगे रखी गई थी पूरी नहीं, मैं उन सभी साथियों का हृदय के से आभार प्रकट करता हूं जो साथी वहां आंदोलन में डटे हुए हैं। जिस तरह से अभी कई आंदोलन जिसमें या चाहे वो भाजपा की सरकार हो या मध्य प्रदेश की या कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार, उन्होंने जो उनके हिस्से में आता था कि वो ओम प्रकाश रेगर के परिवार को न्याय दिलाए, उनकी मांगे भी अभी जो सरकार के हिस्से में थी, जो दी गई थी सरकार को, जिसकी ताकत सरकार के पास है पास करने की, वो भी अभी अधूरी है। तो संविधान है, लेकिन क्योंकि संविधानों पे उन सरकारों के जरिए उन ताकतों कब्जा है जो संविधान को लागू नहीं होने देना चाहती, इसलिए हमें समझना चाहिए। जैसे अभी रतलाम में भगवान बिरसा मुंडा की जो है मूर्ति का अनावरण में, जिस तरह से वहां के भाजपा की सरकार के जो तानाशाही नेता हैं, अराजक तत्व जो है, उन्होंने भीम आर्मी और जेएस के साथियों को जबरन जो है जेल भिजवाने का काम किया और सत्ता का दुरुपयोग कर सरकार ने जेल भेजा, और बेल के लिए भी जो है वो दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी बेल ना हो, ऐसी तमाम सरकारों को जवाब देने के लिए भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि वो संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें और भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प 26 नवंबर को जरूर लें, इसकी महत्ता को समझें और खुद भी समझें और साथियों को भी समझाएं, अपने परिवारों में भी समझाएं कि हाँ, अगर हमें पर्व मनाने हैं तो ऐसे दिनों को मनाएं जिनसे हमारी मुक्ति के रास्ते खुले हैं, जिससे हमारी गुलामियां कटी और जिसके जरिए एक किसान का, मेरे का बेटा भी इस देश में शासक वर्ग में शामिल हो सकता है या अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के लिए काम कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं संविधान दिवस की आपको पहले से, और क्योंकि कल सर छोटू राम जी की भी जयंती है,
एक ऐसे युग पुरुष महान नेता, उनकी भी जयंती पे आपको हार्दिक बधाई एक दिन पहले, और संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को, महापुरुषों के जो अधूरे सपने उनको पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे, और याद रखेंगे कि हमारे पर्वों में ये पर्व है 26 नवंबर को, इसको भूलना नहीं है, और सिर्फ एक दिन याद नहीं करना है, पूरे एक साल के जो जितने दिन होते हैं, यानी कि जो आने वाले हर साल, उनके हर दिनों में याद रखना कि हमें भारतीय संविधान को सुरक्षित भी रखना, उसको लागू भी कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और मैं अपने कार्यकर्ता साथियों जेल गए उनसे कहूंगा, घबराइएगा नहीं, आजादी बलिदान मांगती है, क्रांति खून मांगती है, हमें महापुरुषों के आंदोलन को अपने खून से सींचना है। आजादी की कीमत जो है वो बेड़ियों से भी और तमाम तरह की मुसीबत से चुकाई जाती है। भारत का इतिहास है कि जब इस देश की आजादी के लिए लोग लड़े, वीर बहादुर जो है बलिदानी लड़े, क्रांतिकारी लड़े, तो उनको तमाम तरह की यातनाएं मुसीबत सहनी पड़ी, क्योंकि सरकार तानाशाह हो जाती है जब उनके खिलाफ, उनके जो अन्याय वो कर रही है उस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाता है। तो इनसे घबराना नहीं है, बस संवैधानिक दायरे में अपनी लड़ाई को लड़ना है। जो साथी जहां भी आंदोलन कर, छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपने संघर्ष को जारी रखिए, याद रखिए बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, वो दिन भी आएगा कि जब 21वीं सदी जो है, यानी कि जो ये वर्तमान की सदी चल रही है, इसमें आपका राज स्थापित होगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय मंडल, जय जोहार। आज का एक अचानक से एक महत्वपूर्ण लाइव, और लाइव इसलिए कि आप लोगों तक एक संदेश जो है वो पहुंचाना, बहुजन आंदोलन जो वर्तमान में हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से चला रहे हैं, मेरे मन में एक अचानक से एक जिज्ञासा, एक सवाल उत्पन्न हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों से अपनी बात रखनी चाहिए। उस बात को शुरू करने से पहले, समय समय पे भारत में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, उन सभी को नमन करते हुए, जिन्होंने तमाम तरह के अपमान, आरोप और नुकसान सह के, जुर्म जाति सह के, शोषित वर्गों के लिए, के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रख के अपने तमाम तरह की सुविधाओं को छोड़कर जो है बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, पूरे देश में जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के खिलाफ बिना रुके बिना थके संघर्ष कर रहे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को जय भीम कहते हुए, मैं आज के जो लाइव, एक विशेष लाइव, क्योंकि दो दिन बाद एक जो तीसरा दिन आएगा, एक ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर, और 26 नवंबर मात्र एक दिन नहीं है, वो एक ऐतिहासिक दिन, एक मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन के साथ भारत में रहने वाले करोड़ों शोषितों, पिछाड़े गए लोगों का, महिलाओं का, कमजोरों का, जिनको सदियों से सताया गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, उनका, उनके भविष्य का, जानवरों से जैसे जिंदगी से निकाल के इंसानों की जिंदगी में लाने का एक जो है माध्यम जो बना, जिसमें, जिसने भारत में रहने वाले शोषितों को समान अवसर दिए, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी दी, भारत में कहीं भी घूमने की, सरकारी साधनों का उपयोग करने की,
तालाबों के साथ साथ स्वच्छ पानी पीने की, बोलने की, अच्छे मंचों पर बैठने की, यहां तक एक किसान मजदूर का मेरे के बेटे को मेहनत करके संघर्ष करके एक आईएएस आईपीएस, एक डॉक्टर इंजीनियर, एक कलेक्टर, एक राजनेता बनने का जो अवसर मिला वो मिला भारतीय संविधान के जरिए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा हुआ। भारत में रहने वाले करोड़ों शोषितों के लिए तो यही त्यौहार का अवसर, जिस दिन उनको खुशी मनानी चाहिए और अपने इस, मैं जैसे कहता हूं कि भाई मेरा जो धर्म है वो संविधान है। ये जो भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है और जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव किया, उस पवित्र संविधान के संकल्प की, उसकी सुरक्षा की और उसको लागू कराने के संकल्प की आज भारत में जरूरत। जिस तरह से सरकारें संविधान का हनन कर रही हैं, संविधान को, कुछ विचारधारा जो भारत में ऐसी है जो संविधान को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही हैं, उन विचारधाराओं को और उनकी तानाशाही सरकारों से भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने का संकल्प जो है, उसी दिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, हमें लेना चाहिए। और क्योंकि हमें वास्तविक आज़ादी 1947 के बाद भारतीय संविधान के बनने और उसको जब भारत में वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये हमारे लिए बड़े ऐतिहासिक दिन है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये समान अवसर मिले हैं, ये सब है, पढ़ाई के हों या आगे बढ़ने के, ये भारतीय संविधान की देन है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए सब कुछ जो है वो भारत का संविधान है और वो सर्वोपरि, तो उसकी रक्षा सुरक्षा, उसको लागू कराने का संकल्प हमारे नौजवान साथियों को लेना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि 26 नवंबर को, जो 26 जनवरी से पहले आने वाला पर्व है हमारा, उसको संविधान दिवस जो है उसको उस दिन इस बार संकल्प लेंगे हम लोग। मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन है मेरा कि वो हालात को देखते हुए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का, उसकी सुरक्षा करने का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। संविधान की सुरक्षा करना, उस संविधान को सुरक्षित रखने का आरएसएस और भाजपा के लोगों से, और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का संकल्प जो है 26 तारीख को हम लोग लेंगे खतौली विधानसभा उपचुनाव में। एक विधानसभा उपचुनाव की रैली है, उसी रैली में हम लोग ये संकल्प लेंगे। और पूरे देश में काम करने वाले बहुजन समाज के जो योद्धा हैं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी में जो काम कर रहे हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपने घर पे भारतीय संविधान का महत्व बताएं, अपनी माओं को, जो हमारी माएँ वहाँ रहती हैं, हमारी बहनों को, हमारी बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को, जिनको शायद आज एहसास भी नहीं कि भारतीय संविधान से पहले उनका जीवन कैसा था और कैसे एक एक अधिकारों के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया, तब जाके एक एक अधिकार हमें मिले। तो इसलिए मैं चाहूंगा जन जागरण के रूप में और पूरे देश में हम लोग 26 नवंबर को पर्व मनाएं, खुशियां मनाएं और संकल्प लें, शपथ लें इसको रक्षा सुरक्षा करने की और उसको लागू कराने की। और पूरे देश में जो महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं, जैसे दमोह में एक आंदोलन चल रहा है, वहां की निकम्मी सरकार की वजह से जो मांगे रखी गई थी पूरी नहीं, मैं उन सभी साथियों का हृदय के से आभार प्रकट करता हूं जो साथी वहां आंदोलन में डटे हुए हैं। जिस तरह से अभी कई आंदोलन जिसमें, या चाहे वो भाजपा की सरकार हो या मध्य प्रदेश की या कांग्रेस की
राजस्थान की सरकार, उन्होंने जो उनके हिस्से में आता था कि वो ओम प्रकाश रेगर के परिवार को न्याय दिलाए, उनकी मांगे भी अभी जो सरकार के हिस्से में थी, जो दी गई थी सरकार को कि जिसकी ताकत सरकार के पास है पास करने की, वो भी अभी अधूरी है। तो संविधान है, लेकिन क्योंकि संविधानों पे उन सरकारों के जरिए उन ताकतों का कब्जा है जो संविधान को लागू नहीं होने देना चाहती, इसलिए हमें समझना चाहिए। जैसे अभी रतलाम में भगवान बिरसा मुंडा की जो है मूर्ति का अनावरण में, जिस तरह से वहां के भाजपा की सरकार के जो तानाशाही नेता हैं अराजक तत्व जो है, उन्होंने भीम आर्मी और जेएस के साथियों को जबरन जो है जेल भिजवाने का काम किया और सत्ता का दुरुपयोग कर सरकार ने जेल भेजा, और बेल के लिए भी जो है वो दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी बेल ना हो, ऐसी तमाम सरकारों को जवाब देने के लिए भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि वो संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें और भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प 26 नवंबर को जरूर लें, इसकी महत्ता को समझें और खुद भी समझें और साथियों को भी समझाएं, अपने परिवारों में भी समझाएं कि हाँ, अगर हमें पर्व मनाने हैं तो ऐसे दिनों को मनाएं जिनसे हमारी मुक्ति के रास्ते खुले हैं, जिससे हमारी गुलामियां कटी और जिसके जरिए एक किसान का मेरे का बेटा भी इस देश में शासक वर्ग में शामिल हो सकता है या अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के लिए काम कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, मंगल कामनाएं संविधान दिवस की आपको पहले से, और क्योंकि कल सर छोटू राम जी की भी जयंती है, एक ऐसे युग पुरुष महान नेता, उनकी भी जयंती पे आपको हार्दिक बधाई एक दिन पहले, और संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को, महापुरुषों के जो अधूरे सपने उनको पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे और याद रखेंगे कि हमारे पर्वों में ये पर्व है 26 नवंबर को, इसको भूलना नहीं है और सिर्फ एक दिन याद नहीं करना है, पूरे एक साल के जो जितने दिन होते हैं यानी कि जो आने वाले हर साल उनके हर दिनों में याद रखना कि हमें भारतीय संविधान को सुरक्षित भी रखना, उसको लागू भी कराना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से जेल गए उनसे कहूंगा घबराइएगा नहीं, आजादी बलिदान मांगती है, क्रांति खून मांगती है, हमें महापुरुषों के आंदोलन को अपने खून से सींचना है, आजादी की कीमत जो है वो बेड़ियों से भी और तमाम तरह की मुसीबत से चुकाई जाती है। भारत का इतिहास है कि जब इस देश की आजादी के लिए लोग लड़े, वीर बहादुर जो है बलिदानी लड़े, क्रांतिकारी लड़े, तो उनको तमाम तरह की यातनाएं मुसीबत सहनी पड़ी, क्योंकि सरकार तानाशाह हो जाती है जब उनके खिलाफ उनको जो अन्याय वो कर रही है उस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाता है। तो इनसे घबराना नहीं है, बस संवैधानिक दायरे में अपनी लड़ाई को लड़ना है। जो साथी जहां भी आंदोलन कर, छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपने संघर्ष को जारी रखिए, याद रखिए बाबा साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, वो दिन भी आएगा कि जब 21वीं सदी जो है यानी कि जो ये वर्तमान की सदी चल रही है, इसमें आपका राज स्थापित होगा। जय भीम।